स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य हमारे कुशल युवाओं को नए भारत का निर्माता बनने के लिए प्रेरित करना है। स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और पूर्व दक्षता मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख व्यवसायों के अनुरूप कौशल सुधार और कौशल दक्षता को ध्यान में रखकर की गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने पूर्व में अर्जित दक्षता को मान्यता देने के साथ ही मौजूदा कौशल विधाओं में कुशल व्यक्तियों के प्रमाणीकरण को मान्यता दी है। पूर्व दक्षता को मान्यता प्रदान करने हेतु शुरू किए गए कार्यक्रम RPL में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप तैयार करने तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक साधन मुहैया कराने और असमानता को दूर करने के अवसर प्रदान करने के लिए ठोस कदम इस योजना में शामिल है। इस मिशन के अंतर्गत लघु और दीर्घकालिक प्रशिक्षण उद्योगों के लिए अप्रेंटिस तैयार करना, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों के NAPS अप्रेंटिस और कौशल कार्यक्रमों से जुड़कर हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। PM कौशल विकास योजना की शुरुआत के बाद 1,37,00,000 उम्मीदवारों ने विभिन्न उद्योगों से संबंधित कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पूर्व दक्षता मान्यता के अंतर्गत 1,42,00,000 से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। स्किल इंडिया मिशन कौशल उन्नयन के माध्यम से आम जनजीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सहायक है।